उत्तर भारत में चल रही शीतलहर से छाया घना कोहरा, पारा 7 डिग्री तक गिरा। हाईवे पर फुटबॉल बनी कार, पहले ट्रक फिर तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर, सीट बेल्ट ने बचाई जान। कोरोना को लेकर भारत में बड़ी चिंता के बीच विशेषज्ञों का दावा, लॉकडाउन की जरूरत नहीं। MBBS छात्र आत्महत्या मामले में स्वजन धरने पर बैठे, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को छुट्टी पर भेजा। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापामारी, काला नमक चाय पत्ती में रंग, आटे में मिली खड़िया की मिलावट। मामूली बात को लेकर हुआ विवाद, पड़ोसियों ने पीट पीट कर ले ली युवक की जान। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर को जान से मारने की मिली धमकी, सऊदी अरब से आई कॉल, बोला जिंदा जला देंगे या बम से उड़ा देंगे। मेट्रो ट्रक के किनारे अब बनेंगे बहुमंजिला भवन, शहर में मेट्रो ट्रक 30 किलोमीटर लंबा होगा। फ्री देखिए लाइट एंड साउंड शो, आगरा किला के सामने चार साहिबजादे के बलिदान का प्रदर्शन करेंगे पंजाब के कलाकार। चीन समेत 6 देशों से आकर होटल में रुकने वालों की देनी होगी जानकारी, कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। तुनिशा शर्मा की मौत, लव जिहाद का मामला, एकनाथ शिंदे के मंत्री गिरीश महाजन का दावा। शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले पर महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, बोले NIA करे मामले की जांच। बीजेपी नहीं छोड़ेगी मैदान, मेयर के चुनावी अखाड़े में उतारेगी पहलवान, आपकी बढ़ेंगी मुश्किलें। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर का कहर, 3 डिग्री तक लुढ़का पारा। भाजपा नेता की बिगड़ी तबीयत, सांस लेने में दिक्कत के कारण निजी अस्पताल में हुए भर्ती। नए साल में श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया। बल्ले से नहीं गेंद से भी कमाल करते हैं, लवुशा ने फील्डिंग देख लोग कर रहे हैं तारीफ। पुजारा ने बताया क्यों विराट कोहली से पहले अक्षर को मिला बल्लेबाजी करने का मौका। श्रेयस अय्यर को खेलता देख ड्रेसिंग रूम में मची खलबली, हो गई शांत, कप्तान ने किया खुलासा। 90 साल बाद हुआ बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में यह कमाल, अश्विन और श्रेयस ने मचाया धमाल।